हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम एक सुपर फाइट सीन का रिएक्शन लेके आ गए हैं। फाइट सीन है हमारे आपके हम सबके फेवरेट प्रभास का, प्रभास डार्लिंग का। तो बड़े फेमस है, इनको डार्लिंग बोलते हैं कि डार्लिंग मूवी आने के बाद इनका नाम ही डार्लिंग रख दिया है। तो बड़ा क्यूट सा नाम है ना, और हैप्पी है डार्लिंग से। तो चलिए देखते हैं इसका फाइट सीन। ये हमें सजेस्ट किया है प्रभास वीआईपी ने, तो चलिए देखते हैं इसको, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं वीडियो को। जय हो माता रानी जी। कोई मेला टाइप है ना, कुछ पूजा हो रही है। बहुत बड़ी पूजा है। कुछ करेंगे याद नहीं है औरतों के बेस में। अच्छा, प्रभास के फादर हैं, मतलब बड़े पावरफुल इंसान है। राउडी लगा लो, एरिया के लीडर लगा लो। और प्रभास अब तक एक शरीफ बच्चे के रोल में है, अपने बाप की नज़रों में बड़े शरीफ बने हुए हैं, लेकिन है नहीं है। अभी दिखाएंगे अपना असली रूप। अब दिखाएंगे इनके फादर के साथ में। ये बड़े सिंपल से गायक हैं, वो भी सिंपल। यार प्रभास का फैन हूँ यार, सच में यार। ये क्या था, क्या था? इसीलिए मैं प्रभास का फैन हूँ। इसके फादर के तो होश ही उड़ गए। అమ్మా నాన్న అక్క చెల్లి అన్న తమ్మి చిన్న పెద్ద ఇరుగు పొరుగు ఊరు వాడ నా అనుకున్న వాళ్ళందరూ నా పెళ్ళికి రండి, నాన్నని చంపుదాం అనుకున్నోళ్ళు మాత్రం దమ్ముంటే నా కొడకల్లారా, నా కళ్ళ ముందొచ్చాగండి రండి। వాపి చెల్లి జారా अच्छा, कोई ऐसी बात बोल दी है कि अलग अलग कर दिया सबको। हाँ। पूरी टीम है और एक दो बंदा नहीं है, बहुत है, तो बहुत ज्यादा है, ये पूरी फौज लेके आए। कह रहे मुझे पता था कि शेर का बेटा शेर ही होगा, ये कैसे मतलब शरीर बन के रह रहे थे ना। यार टीम है फुटबॉल की। एक एक के बैंड बजा देंगे, एक एक इनके पिता को गुस्सा आ रहा है। माय गॉड, तो प्रभास में बिना बॉडी दिखाए कैसे रहेगी? तेलुगु इंडस्ट्री का सलमान खान है। मेरे तो आंखें ऐसा लग रहा है कि सपना देख रही हैं। तो
गजब फादर साहब तो हंसी उड़े हुए हैं। ये वो क्या रहा है? कैसे सोच रहे इसको तो घर जाके देखूंगा मैं। awesome. एक बंदे ने इन सबकी बैंड बजा दी। जय माँ काली। कोटो कोट्रा कोटो कॉल किंद पेटी कोट्रा यवड़ पंपिंचेडू सिम्हाद्रे इन्होंने भेजा था मां नानन चंपड़ाने के प्लान जाता बात भी नहीं करी पूछा भी नहीं जबाड़ा ही निकाल दिया చంపకుండా ఎందుకు వదిలేస్తున్నానో తెలుసా నాన్నగారికి తెలిస్తే బాధపడతారని బతుకు పో ఓసమ్ ఓసమ్ మతలబ్ లాస్ట్ టైం బోలా నా బతుకు పో इतनी सुपर मूवी है ना सच में मैं देख चुका हूँ नेहा ने नहीं देखी एक का एक सीन फर्स्ट वॉच था नेहा का तो ओसम मतलब कितनी बार भी देख लो उन मूवीज में से एक है जिसको आप बार बार देख सकते हो इंटरेस्ट नहीं मतलब क्या बोलते हैं कुछ साल बाद ना वो कमी महसूस होने जाती है चलो यार वो मूवी देख लेते हैं उन मूवीज में से एक है जिसको बोलते हैं ना गोल्ड है कि भाई कभी भी उठा के देख लो वो मूवी है ये सच में बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है मेरे को बड़ा मजा आता है जब भी देखता हूँ जो एक्शन है ओसम है और उस टाइम देखा आपने जब फाइट कर रहे थे इनके फादर साहब की आंखें लाल हो चुकी थी और वो शौक थे कि यार ये हो क्या रहा है क्या ये वही बंदा है जो एक दिन पहले वो भरतनाट्यम गा रहा था क्या गा रहा था कथक जो विधा की क्या ये वही बंदा है इतने शौक हो गए थे मेरे को तो देख के ये समझ आया कि इसके इनके पापा तो ये कह रहे होंगे घर चलते का तो मैं बताता हूँ है ना और ना यार बड़े गजब वाला इन्होंने जो फाइटिंग करी है ना एक एक की जो बैंड बजाई है मेरे तो आंखें ना एक टाइम पे ये होगी थी कि मैं सच्ची देख रही हूँ क्या देख रही निकली थी इसीलिए इनको बोलते हैं प्रभास डार्लिंग सच में ओसम फाइट सीन है ओसम रोमांस है इनका सब कुछ हर चीज में ना सुपर एक्टर है सच में यार बड़ा एंजॉय करता हूँ इनकी पर्सनैलिटी सुपर्ब है बिल्कुल बॉडी हाइट सुपर पर्सनैलिटी है फाइट करते हुए जस्ते हैं कि हाँ अभी कर रहे हैं बंदे फाइट हाँ बिल्कुल लग रहा है कि हाँ कोई फाइट कर रहा है तो एक बार फिर से ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट की ऐसे में प्यार देते रहे अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें बिल्कुल आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टाटा बाय बाय।